आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद इंडिया के बहुत से ऐसे युवक युवतियाँ ऐसे जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आगरा के 5 युवक युवतियाँ अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो कि MBBS की पढ़ाई करने वहाँ गए थे, लेकिन एक युवक ऐसा भी है जो युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले आगरा में अपने घर वापसी करी है। आगरा के आवास विकास में रहने वाले रणदीप चौधरी के बेटे तुषार चौधरी यूक्रेन की राजधानी कीव में MBA कंस्ट्रक्शन के छात्र हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का माहौल देख उनके परिवार जनों ने युद्ध से एक दिन पहले ही तुषार को घर वापस बुला लिया। यूक्रेन की हालात को लेकर, वहां के माहौल को लेकर MBC के द्वारा क्या गाइडलाइन दी गई थी, इस पर तुषार ने क्या कुछ कहा और क्या बताया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। न्यूज 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। सुनीता चौधरी, मैं तुषार की मम्मी हूँ। तुषार अब आगरा में है, लेकिन अभी बहुत से बच्चे अभी भी हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं। जी जी जी, मेरा बच्चा यहाँ आ गया, इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन वो बच्चे फंसे हैं। मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी सही सलामत आ जाए। उनके पेरेंट्स भी बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। हम भी बहुत परेशान थे जब हमें पता चला था कि युद्ध होगा, लेकिन वो बच्चे तो वहाँ फंस गए हैं। तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि बस जल्द से जल्द उन बच्चों को सुरक्षित अपने देश लाया जाए। तुषार, जब यूक्रेन में थे तब आपकी उनसे बात हुई, क्या कह रहे थे वो और क्या लग रहा? तब तो इसने बोला था ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, जो भी होगा बॉर्डर पे होगा, अंदर नहीं होगा। लेकिन अब वहाँ के हालात तो ऐसे हैं कि अंदर युद्ध चल रहा है। तो मेरा बेटा तो सही सलामत आ गया, सही टाइम पे आ गया। जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता हो रही है कि वो भी आ जाए सही से। उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम तुषार है, तुषार सिंह। आप यूक्रेन में थे, क्या सिचुएशन थी यूक्रेन में, और अब आप अपने घर वापसी हो चुके, आगरा आ चुके हैं, उस समय क्या सिचुएशन थी? मैं जब मैं वहाँ पर था तब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, पर इतना नहीं पता था कि वाकई में इन्वेजन हो जाएगा, रशिया इन्वेट करेगी यूक्रेन को। और तब वो केवल एक पॉलिटिकल इशू लग रहा था जो दो देशों की सरकारों के बीच में चल रहा है। बॉर्डर पर बॉम्बार्डिंग हो रही थी, पर यही था हमें कि एक बॉर्डर वॉर है जो हर देश में होती है, सब कुछ ऐसा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है, क्या बता रहे हैं? वो लोग बता रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर फूड शॉर्टेज भी होता है तो नो वंडर कभी भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग फंसे हुए। बोल रहे हैं कि एक मेरा छोटे भाई जैसा ही है अक्षत, वो वहाँ फंसा हुआ है। उसके पापा ने को एयरपोर्ट पर कहा था कि उसका ख्याल रखना है, वो वहाँ बैचलर्स कर रहा है। तो बस यही है, मुझे अफसोस है कि आई वॉज सपोज टू बी देयर बट आई एम हेयर, कि मेरे को वहाँ होना चाहिए था उसके पास, पर क्या कर सकता हूँ, मेरे को भी देखना था कि क्या चल रहा है। मेरे मम्मी पापा भी परेशान थे, और बस मैं यही होप करता हूँ कि वो जल्दी से या तो सही सलामत यहाँ आ जाए, या मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये जल्दी ख़त्म हो और मैं उससे दोबारा मिल सकूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।